नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के बारे में। इसका महत्व क्या है और आप कैसे करें पूजा, कैसे है पूजा का विधान, आज विस्तार से पंडित जी से करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अन्नकूट के दिन घर में विविध प्रकार के पकवान बनाइए। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। भोजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर अन्नकूट के दिन आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 2 नवंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः काल 8:21 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:23 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर अन्नकूट क्या है और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। जी, जैसा आपको हमने बता रखा है कि दीपावली पंच पर्व है। 5 पर्व दीपावली में आते हैं। उसमें दीपावली के बाद जो चौथा पर्व आता है वो है अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व। क्या महत्व है इसका? देखिए, दीपावली के दूसरे दिन या ये कह लें कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मूलतः गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में, प्रकृति के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन एक पर्वत का नाम भी है और गोवर्धन का मतलब गायों के वंश का विस्तार। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा भी होगी और गायों की पूजा भी होगी। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी। भगवान कृष्ण ने इस पूजा का आरंभ किया था और धीरे धीरे ये पूजा भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का जो संयोग है वो 2 नवंबर को है। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा भी होगी और अन्नकूट का पर्व भी मनाया जाएगा। साथ ही साथ बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुला के इस समय ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
नए काम आपके शुरू हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम हो जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अन्नकूट की पूजा किस तरीके से की जा सकती है। अब जैसा आपको बताया कि अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा दीपावली के पंच पर्व में से एक पर्व है। अन्नकूट की पूजा कैसे होगी? वेदों में अन्नकूट की पूजा के दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा करने की बात कही गई है। साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती भी की जाती है और गायों को फल और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इससे उपासना की जाती है। अन्नकूट के दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है और भोजन में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। अन्नकूट में अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, बिल्कुल सात्विक पकवान होते हैं, उनका भगवान कृष्ण को भोग लगा करके उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और चलिए अब आगे की राशियों की भी बात कर लेते हैं। जानेंगे पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय बीच में आपका रुक सकता है, महत्वपूर्ण काम टलेगा, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, सेहत की समस्या हल होगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें कुमुद श्रीवास्तव जी ने लिखा है, भोपाल से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 26 नवंबर 1998। जन्म का समय दोपहर के 2:10 और जन्म स्थान है भोपाल। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिल सकती है और उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, मैं आपको कहूंगा कि आप अपने पुत्र को कोई टेक्निकल पढ़ाई या कोई मैनेजमेंट जैसी पढ़ाई अगर करवा दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाने की इनकी संभावना कमजोर है और उसमें बेवजह समय नष्ट नहीं करना चाहिए। पहले करियर के लिए कोई और ऑप्शन देख लें और फिर साथ में गवर्नमेंट जॉब की तरफ कोशिश करते रहें। वैसे ये कुंडली बैंक, फाइनेंस या कंप्यूटर्स के क्षेत्र में अच्छा करियर दिखा रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें पूनम रावत जी ने लिखा है और पूनम रावत जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 जुलाई 1970। जन्म का समय शाम के 6:05 और जन्म का स्थान है पौड़ी गढ़वाल। ये पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं मेरे साथ स्वास्थ्य में हमेशा लगी रहती हैं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? पूनम जी, आपकी कुंडली में हड्डियों से संबंधित पेट की दिक्कत या किडनी स्टोन जैसी दिक्कत की संभावना बनती है और वो समस्या आपके कुंडली में मई 2025 तक दिखाई दे रही है। मई 2025 के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार नारायण कवच का पाठ करिए या सुनिए और एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना,
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनने से आपको फायदा होगा। पंडित जी, किस प्रकार से हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए इसके बारे में भी बताएं। तो हम चर्चा कर रहे हैं अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार करना चाहिए। प्रातः काल शरीर पर तेल मलकर, तेल लगा करके अच्छी तरह से स्नान करिए। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइएगा। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएंगे। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति बनाएंगे। जो चौक बनाएंगे बड़ा सा, जिसमें पर्वत, ग्वाल बाल, पेड़ पौधे ये सब बनाएंगे, उसके बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख देंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। उन्हें पकवान का और पंचामृत का भोग लगाएंगे। इसके बाद गोवर्धन पूजा की कथा सुनेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे और सबके साथ घर के लोग एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। तो मुख्यतः गोवर्धन पर्वत की जब आप पूजा करते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। जीवन में जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, करियर को लेके, स्वास्थ्य को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर अस्थिरता है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा से वो अस्थिरता दूर हो जाती है। चलिए आगे की राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, करियर में आपके फिलहाल सुधार होता दिख रहा है। करियर की मुश्किलें आपकी समाप्त होंगी। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, गौ माता की पूजा आज के दिन किस प्रकार से की जा सकती है इसके बारे में बताएं।
जैसा आपको पहले बताया था कि गोवर्धन पूजा पर गायों के वंश के विस्तार के लिए गौ माता की गायों की पूजा भी की जाती है। कैसे करेंगे? प्रातः काल पूजा के बाद गौशाला जाइए, संभव हो तो गाय को स्नान कराइए, इसके बाद गाय का श्रृंगार करिए, उसे तिलक लगाइए, गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाइएगा। आप चाहें तो श्रद्धा पूर्वक गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की थोड़ी मिट्टी लेकर उसका तिलक करेंगे। गाय की पूजा करिएगा गोवर्धन पूजा के दिन, और अगर संभव होगा तो नियमित रूप से गौशाला में दान करते रहिएगा। आप जितना गाय की पूजा करते जाएंगे जीवन की मुश्किलें उतनी ही कम होती जाएंगी। और अब बात आखिरी तीन राशियों की भी कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, इस समय पैसे रुपए की स्थिति बेहतर होगी, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ आपको होगा, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के खर्चे परेशान करेंगे, करियर में लापरवाही ना करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें सीमा जी ने लिखा है, और सीमा जी हमें हरदोई उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1992, जन्म का समय रात में 10 बजे, और जन्म का स्थान है हरदोई। सीमा जी कह रही हैं कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, और एक बात बात बिल्कुल फाइनल होकर के तब ब्रेक हो गई थी, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सीमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में, आपके विवाह के योग निश्चित रूप से बनते हैं। लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। आज का आखिरी सवाल हम जाने, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना ये है कि अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न कृष्ण प्रसाद जी ने हमें लिखा है, और कृष्ण प्रसाद जी हमें बरेली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 जनवरी 1961। जन्म का समय शाम के 4:50 और जन्म का स्थान है बदायूं, उत्तर प्रदेश। कृष्ण प्रसाद जी कह रहे हैं कि परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है, ये कब तक हल हो जाएगा? कृष्ण प्रसाद जी, जो जमीन मकान को लेकर के भाइयों के साथ विवाद चल रहा है, वो अगले साल 2025 में मई के बाद सॉल्व होगा। तब तक आप शांति बनाए रखिए, लेकिन आपसी सुलह समझौते से ये मामला हल हो जाएगा, ये संभावना जरूर दिखाई देती है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक रोज सुबह शाम इसका आप पाठ करिए, और हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा करके प्रार्थना करिए, ये मुकदमा बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। पंडित जी, गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनता है, अलग अलग परंपराओं के हिसाब से हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं, लेकिन कई सारे लोग गायों की पूजा करते हैं, इससे क्या कोई विशेष लाभ होता है, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, गोवर्धन का मतलब होता है गाय का वर्धन, गाय का विकास और विस्तार। तो गाय के वंश के विस्तार के लिए हम गोवर्धन का पर्व मनाते हैं, और गायों की पूजा करना भी इसके लिए काफी जरूरी है। ऐसा शास्त्र कहता है कि गाय की सेवा करने से सारे देवी देवताओं की कृपा मिलती है और सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। तो जब आप अन्नकूट और गोवर्धन वाले दिन गाय को चारा खिलाते हैं, उसका तिलक करते हैं, उसको फल खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, और उसके प्रति अपने मन में श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ग्रह अनुकूल होते हैं। और अगर कोई जीवन में बड़ी समस्या चली आ रही है, तो गोवर्धन पूजा के दिन गाय का पूजन करने से वो समस्या दूर हो जाती है। जो लोग गाय को पालते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उन्हें कुछ अलग से कहना ही नहीं है, लेकिन अगर आप गाय नहीं पालते हैं तो आप गौशाला में जाके दान करिए, गाय को तिलक करिए, गाय की देखभाल करिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 2 नवंबर को आता है, उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 2 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति उत्तम रहेगी, करियर में लाभ के और पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अविवाहितों का विवाह हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं, तो स्वास्थ्य की समस्याओं का ध्यान रखिएगा। पूरे साल भर अगर शिव जी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या जल के प्रयोग से, पानी के प्रयोग करने से किसी का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं?
देखिए, जल को अगर मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया जाए तो जल विशेष शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा जल रोगी को पिलाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन किस मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं, वो मंत्र की जानकारी होना आपको जरूरी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 2 नवंबर 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 2 नवंबर 2024 का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा, इससे आपके करियर संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 2 नवंबर शनिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में संतान का सुख कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। इनको संतान प्राप्ति में और संतान के साथ तालमेल बैठाने में दोनों में मुश्किल होती है, लेकिन ये प्रयास करके अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से अपने संतान को और स्थितियों को अनुकूल कर लेते हैं। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जहां पंडित जी हर दिन बताते हैं हमें महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर पति पत्नी के बीच में वैवाहिक जीवन में बेवजह का कलेश होता हो तो क्या करेंगे? हर शुक्रवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें, पति भी करें पत्नी भी करें। शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और एक सफेद रंग के स्वस्फटिक की माला अपने गले में पहने। वैसे तो पति पत्नी दोनों पहन सकते हैं, लेकिन पति अगर अपने गले में सफेद रंग की स्फटिक की माला पहने तो निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।